इस स्ट्रक्चर से आप भलीभांति अवगत होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि विद्युत मोटर के बारे में मैंने बताया था आपको कि विद्युत मोटर किस प्रकार से काम करता है। कुछ स्टूडेंट का यह डिमांड था कि विद्युत मोटर का जो स्ट्रक्चर होता है, सर आपने इस प्रकार से तो हमें समझा दिया, लेकिन क्या इसका रियल स्ट्रक्चर आप दिखा पाएंगे या उसे आप बता पाएंगे कि उसमें किस प्रकार से वर्क होता होगा। तो मैं उनके बातों को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार के स्ट्रक्चर को आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से मैं विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर का लगभग उसी टाइप के स्ट्रक्चर को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। यह मुश्किल से सबसे छोटा वीडियो होगा विद्युत मोटर को समझाने में, क्योंकि विद्युत मोटर को मैंने बहुत पहले ही मैंने विद्युत मोटर के स्ट्रक्चर को इसी टाइप से मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पर कैसे वर्किंग होता है। यहाँ पर दो भाग है, उसमें एक ही भाग को डीसी मोटर के माध्यम से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया था कि उसमें किस प्रकार से वर्क होता है, जैसे कि आपने करंट दिया और वो किस प्रकार से वो सर्कुलर मूव करेगा, उसके बारे में मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, जिसका कि वीडियो का लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मैं अच्छे से इसे समझाने का प्रयास करूंगा और मैं बताऊंगा किस प्रकार से काम करता है। तो हमारे पास मैंने क्या किया है इसको प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए, आज क्या किया है, मैंने एक मोटर लाया, पुराना मोटर, जिसे मैं खोल कर आपके सामने समझाता हूँ। देखिएगा, इसमें सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे, इसे गौर से देखेंगे, यहाँ पर दो वायर यहाँ पर आए इसमें कनेक्टिंग होकर के, और एक वायर देखिए होइएगा यहाँ पर कार्बन के ब्रश लगे हुए हैं। उस वीडियो के जब आप देखिएगा तो समझ में आएगा, यहाँ पर कार्बन के ब्रश लगे होते हैं जो कि यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पे वलय, तो सेमी सर्कल यहाँ पर होगा, इसके अंदर में जो है ये सर्कल नुमा बना हुआ भाग रहता है। देखिए यहाँ पर सके सर्कल नुमा बना हुआ भाग है, हाँ उस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप आसानी पूर्वक, तो ये बना हुआ भाग है, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है तो ये मूव करेगा। अब ये मूव किस सिद्धांत पे करेगा उसे भी गौर से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसे निकाल लेता हूँ, देखिए इसमें जो मैंने ये जो है रेक्टेंगल शेप में, ये रियल में यही क्वाइल है, ये क्वाइल है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे करके हूबहू ये ऐसे रखा हुआ होगा, और यहाँ पर इस प्रकार से ये अरेंज किया हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होता है तैसे क्या होते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण से ये मूव करने लगता है इस प्रकार से। ये देखिएगा इस प्रकार से ये जो है ना घूमने लगता है क्लॉक वाइज, ये डायरेक्शन में घूमने लगता है, करंट के डायरेक्शन को बदलिएगा तो ये इस डायरेक्शन से भी मूव करने लगेगा। अब देखेंगे इसमें कि आप बता रहे थे सर कि किस प्रकार से मैग्नेट, तो देखिए दो मैग्नेट हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी देखिए दोनों मैग्नेट्स को दिखाया गया है, नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट्स को दिखाया गया है यहाँ पर, ये और ये, इसमें से एक नॉर्थ है और एक साउथ है। इस प्रकार से इसको अरेंज करके यहाँ पर रख दिया जाए तो ये बता सकते हैं कि ये जो है नॉर्थ पोल बनाएगा और ये जो बनाएगा वो साउथ पोल बनाएगा। देखिए नाल मैग्नेट्स है यहाँ पर, जैसे ही करंट को फ्लो करवाएंगे अब इसे फिर से अरेंज कर देते हैं हम और दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है, और देखिए सॉलिड, ये देखिए सॉलिड मैग्नेट है एकदम से, नाल मैग्नेट इसको कहा जाता है। अब इसके इसे क्या करते हैं अरेंज कर देते हैं। इसे मैंने समझाने के लिए आपके सामने में प्रस्तुत किया ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार से यह काम करता है। अब चूँकि इसका जो पूरा का पूरा थ्योरी है वो आपको क्या करना पड़ेगा, समझ में थ्योरी तो समझ में आ गया, लेकिन थ्योरी को थोड़ा पढ़ लीजिएगा आसानी से, तो आप यूं भी आप इसको लिख सकते हैं, इसे यहाँ पर ऐसे फिट कर देंगे और जैसे ही इसे करंट फ्लो करवाएंगे तैसे ही ये मैग्नेट ये जो है वो क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा, घूमने लगेगा। चूँकि यहाँ पे जो एक ब्रश है इसके, देखिएगा एक ब्रश जो है यहाँ पे टूट गए हैं, ये चूँकि ख़राब मोटर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपके सामने में ले करके आया, और ये कार्बन के ब्रश हैं यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और आपको इससे रिलेटेड यानी कि मोटर से रिलेटेड अगर आपको दूसरा कोई वीडियो चाहिए और आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको जानकारी दे सकते हैं, मैं संभवतः आपकी मदद के लिए हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।